एमक्यूएम की राबता कमेटी ने गैंग वार के जुराइम पेशा दहशतगर्दों की फायरिंग से लियारी बादशाही रोड पर एमक्यूएम लियारी सेक्टर यूनिट 32 के हमदर्द मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद जबार की शहादत की सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत की है और वाकया को खुली बरबरीत कहा है। एक बयान में राबता कमेटी ने कहा कि माहे रमजान के बबरकत महीने में भी बेगुनाह इंसानों का नहक खून बहाने वाले गैंगवार के जुराइम पेशा दहशतगर्द अनासर न सिर्फ इस्लाम बल्कि इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि गैंगवार के दहशतगर्दों ने शहर में कत्लो गारतगरी भत्ताखोरी अगवा बराए तावान की वारदातों का तसलसल के साथ रूनुमा होना लम्हा फिक्रिया है और टारगेट किलिंग के वाकया में मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद जबार का कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। राबता कमेटी ने शहदा के सोगवार लवाहकीन से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए शहीद की मगफरत सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। राबता कमेटी ने सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, वफाकी मशीर दाखिला रहमान और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अल इबाद, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से मुतालबा किया है कि मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद जबार के बहिमाना कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया जाए और कारकुनान और हमदर्दों की टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस गैंगवार के जुराइम पेशा ग्रोहों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।